अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं किरण आफ्ताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास बुलाया गया था, ये ख़त्म हुआ है। मज़ीद बात होगी समा के नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, क्या तय पाया, क्या गुफ्तगू रही इस इजलास में, वज़ीर आज़म ने कहा क्या? देखिए, सीनियर क़यादत के साथ मशावरत थी, हतमी मशावरत है। अब कौमी असेंबली का इजलास कैसे बुलाया है, अदम एतमाद के मामले को किस तरीके से आगे देखना है, इससे मुतालिक हिकमत अमली पर मशावरत हुई। अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई है। ये फैसला किया गया है कि नाराज पार्टी अरकान से दोबारा से रबते किए जाएँ। इत्तेहादियों के साथ अब तक जो रबते हुए हैं उस पर भी वज़ीर आज़म को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। अपोजिशन को आवाम की नहीं, अपने करप्शन मुकदमात बचाने की फिक्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल्कुल तरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। एक मशावरती इजलास के बाद वज़ीर आज़म कुछ ही देर पहले जलसे के लिए हाफजाबाद रवाना हो चुके हैं। उनके हमरा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहबाज गिल और शफकत महमूद वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कुछ ही देर बाद हाफजाबाद पहुँचेंगे, जहाँ पर वो आवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ थे, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बता